चलिए हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक या पॉलिटिकल जी के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूम में। तो अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चंस के करीब ख़त्म कर चुके हैं, आज करेंगे 301 से आगे देखेंगे। तो याद रखिए आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव रूम में, फिर चाहे वो आपका इंडिया जी के हो, वर्ल्ड जी के हो या फिर कंप्यूटर जी के हो, ये सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। वो है आपकी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डली हुए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? क्या बोल रहा है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है तीसरा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। कब? 1953 में। क्वेश्चन है फोर्थ यानी कि चौथा क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो याद रखना है आपको उस दिन था 15 फरवरी 1985 को। कब? 15 फरवरी 1985 को। क्वेश्चन है आपका पांचवा, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? इनमें से किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो याद रखना, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा छठवा, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? वह है भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो याद रखना, यह है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सात, क्या है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो याद रखना, लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन है हमारा आठ, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? श्रोमणी अकाली दल है, राष्ट्रीय जनता लोकतांत्रिक गठबंधन ये आपका नहीं है, जनता दल यूनाइटेड ये सही है, भारतीय जनता पार्टी ये भी सही है, इसमें होगा आपका आठ में बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नौवा, क्या है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की थी? तो याद रखना, स्वतंत्र सैनिक दल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दसवां, क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो याद रखना, 1921 में। कब हुआ? 1921 में। क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, क्या है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है हमारा बारह, कौन सा है, बारह, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो याद रखना, सीपीआई का। ठीक, क्वेश्चन है हमारा तेरह, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा चौदह, क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसे दिया गया है, समाजवादी पार्टी को नहीं दिया गया है, बहुजनवादी बहुजन समाजवादी पार्टी को दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसमें, क्या होगा, बी। क्वेश्चन है हमारा पंद्रह, क्या
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, अकाली दल। क्वेश्चन है हमारा 16, क्या है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में आपके जय विकास नारायण साहब थे, कौन, जय विकास नारायण साहब। क्वेश्चन है हमारा 17, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। क्वेश्चन है हमारा 18, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। क्वेश्चन है हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है, तो पहले भी बात कर चुके हैं अकाली दल। क्वेश्चन हमारा 20, क्या है, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ, तो याद रखना 1964 में, क्या है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है अब हमारा 21, क्या है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, तो याद रखना कमल। क्वेश्चन है हमारा 22, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन है 23, भारतीय दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, भारतीय दलीय व्यवस्था आपकी बहुदलीय है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है, राजनीतिक दल के, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 25, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती थी कितनी, 6 वर्ष, कितनी होती थी, 6 वर्ष, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती थी, 6 वर्ष, लेकिन याद रखिए जैसा कि आपको पता होगा 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो याद रखिए एक शब्द को कि अब वो सभी प्रावधान यहाँ लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते थे, इस पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन है हमारा 26, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया, तो याद रखना 1965 में, इसमें 1965 में। क्वेश्चन है 27, क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान था, क्या है, था, जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब इसका कोई संविधान नहीं है, 370 और 335 से हटा दिए गए। क्वेश्चन है 28, संविधान की धारा 370 किस राज्य में लागू होती थी, तो ये होती थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लेकिन अब नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 1957 में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30, क्या है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति, क्या है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 31, क्या है, रामविलास पासवान की नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है, लोक जनशक्ति, क्या है, लोक जनशक्ति। क्वेश्चन है हमारा 32, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है, उपराज्यपाल। क्वेश्चन 34, क्या है, क्वेश्चन नंबर, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो यह है आपका दिल्ली, ठीक। क्वेश्चन है आपका 35, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया गया,
क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन हमारा 36, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब। क्वेश्चन है हमारा 37, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो याद रखना संसदीय कानून द्वारा। किस द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। क्वेश्चन है 38, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो याद रखना है 1956 में। कब? 1956 में। क्वेश्चन है हमारा 39, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990 में, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 40, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 41, क्या है? निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? योजना आयोग को, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 42, योजना आयोग है, योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी। क्या होगा? सॉरी, जैसा कि आपको पता होगा, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो याद रखना योजना आयोग था। याद रखिए, संविधानेतर संस्था उसे कहते हैं जिसका संविधान में कोई मतलब उल्लेख ना किया गया हो। वित्त आयोग आपका संविधान संविधानिक है, चुनाव आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी। क्वेश्चन है आपका 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो याद रखना योजना आयोग। क्वेश्चन है हमारा 45, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था, तो याद रखना प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि अब इसकी जगह आपका ये नीति आयोग आ गया है, उसमें भी नीति आयोग में भी अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक योजना आयोग थी, एक क्या थी? सलाहकारी संस्था। बात करते हैं 50वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें भी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है हमारा 51, क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है तो किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? तो याद रखना पंचवर्षीय निकाय। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? वित्त आयोग की स्थापना आपके राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। वित्त आयोग को राष्ट्रपति गठित करता है। क्वेश्चन हमारा 54, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो याद रखना 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन है हमारा 56, केंद्र और राज्य के में राजस्व के वितरण में संबंधित सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो ये आपका वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 57, निम्नलिखित में से कौन एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? क्या है? कार्य नहीं है। व्यापार कर विभाजन ये नहीं है, ठीक है। आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क विभाजन, सहायतार्थ अनुदान ए है, लेकिन ए नहीं है, तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 58, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। क्वेश्चन है हमारा 59, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय, प्रांतीय, केंद्रीय, ये सभी। डी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 60, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय राजस्व सेवा नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय वन सेवा। तो इसमें क्या होगा 60 में? आपका बी क्या होगा? 60 में बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 61, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना आपकी मार्च 1954 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1954 में। क्वेश्चन है हमारा 62, सिविल सेवाओं का भारतीकरण किया गया लॉर्ड लिट्टन द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 63, क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है संसद। क्वेश्चन है हमारा 64, क्या है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो याद रखना हैदराबाद में। क्वेश्चन है हमारा 65, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन है हमारा 66, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती। क्वेश्चन है 67, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो याद रखना राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9। क्वेश्चन है 69, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो याद रखना राष्ट्रपति जी को। क्वेश्चन है हमारा 71, क्या है क्वेश्चन? प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 72, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन है हमारा 73, कौन सा आयोग संविधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो इसमें पहले भी बात कर चुके, योजना आयोग। क्वेश्चन है हमारा 74, क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं हो? तो याद रखिए राज्यों के राज्यपाल नहीं होते थे। क्वेश्चन है हमारा 75, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 76, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो याद रखना ब्रिटेन। क्वेश्चन है हमारा 77, क्या है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो याद रखना वित्त आयोग, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 78, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो याद रखना 324 में, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन है 79, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। क्वेश्चन है आपका 80, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो याद रखना मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन है हमारा 81, क्या है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन है हमारा 82, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो याद रखना चुनाव आयोग को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83, उपचुनाव
कराया जाता है कभी भी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो याद रखना 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन है हमारा 85, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो वो याद रखना 1926 में महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया गया। क्वेश्चन है हमारा 86 क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने के का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो याद रखना राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट साहब को। क्वेश्चन है 87, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। क्वेश्चन है हमारा 88, सरकारी आयोग संबंधित है, याद रखना केंद्र राज्य संबंधों से, किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। संवर्ती सूची का विषय है समाचार पत्र, संवर्ती सूची का विषय है आपका समाचार पत्र। क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? तो याद रखना सुरक्षा नहीं है, जेल है, सिंचाई है, कृषि है, सिंचाई है, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 91 क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो याद रखना बैंकिंग का है, गैस का नहीं है, जनगणना का है, बीमा का है, तो इसमें क्या होगा बी। क्वेश्चन है हमारा 52, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, शिक्षा का है, रेलवे का है, विद्युत का है, लेकिन वन का नहीं है, तो इसमें क्या होगा डी। क्वेश्चन है हमारा 93, सहकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से, पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 94, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाहित है? यह है जनगणना, क्या है डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 95, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो याद रखना संवर्ती सूची के अंतर्गत आपकी शिक्षा आती है। क्वेश्चन है हमारा 96 क्या है, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया है वन, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया वन। 97 क्वेश्चन, संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस नहीं है, सिक्का तार डाक है लेकिन पुलिस नहीं है। क्वेश्चन है 98, संवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो याद रखना श्रम कल्याण, क्या है श्रम कल्याण। क्वेश्चन है हमारा 99 क्या है, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो तीसरी बार देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों से, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 400 क्या है, केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। तो ये थे अभी तक 400 क्वेश्चंस, आगे हम लोग 401 से आगे शुरू करेंगे, ठीक।